इसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करते थे। एक बार वे सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते थे और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता था कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रख सके। अगर ऐसी ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वह उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर काम करने की सलाह दे रहा है। ऐसा कहकर गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर बाकी गिद्धों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा, वहाँ की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत ही भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसी कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला किया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए काफ़ी घातक हो सकता है। मॉरल स्टोरीज इन हिंदी पॉडकास्ट का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो इस पॉडकास्ट को फॉलो करके रेट करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।